चलिए तो दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो गया है देश और विदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति रवि को 6 मई तक जेल जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी के बांदा में किसान ने की खुदकुशी, सूदखोरों और सरकारी लोन के कर्ज से था परेशान, ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। भीड़ से बचने के लिए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दी सलाह, बोले घर में रखे कोल्ड ड्रिंक की बोतल और तीर कमान, पुलिस बचाने नहीं आएगी। जहांगीरपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भाईचारा बढ़ाने के लिए आज शाम 6 बजे निकली यात्रा, हिंदू मुस्लिम समुदाय के 50 लोग हुए शामिल। उत्तराखंड के देहरादून में चौथी की छात्रा कोरोना संक्रमित, स्कूल प्रबंधन ने सोमवार से बंद की क्लासेस। ओडिशा के पुरी में 50 यात्रियों को ले जा रही बस पलटी, 25 लोग घायल। नाइजीरिया में अवैध ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट, 100 लोगों की मौत, ईंधन खरीदने आए कई वाहन जलकर हुए खाक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साइन वाली बॉल होगी नीलाम, 11 मई तक चलेगा ऑक्शन, जमा हुई राशि से की जाएगी यूक्रेन की मदद। जापान में हुआ हादसा, 26 लोगों को सैर कराने निकली टूर बोट लापता, 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं चल पाया बोट का पता। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।